पे आऊंगा तो उसको आपको पूरा मौका दूंगा इस पर बात करने का। मेरे साथ महेश जोशी जी जुड़ रहे हैं, मुख्य सचेतक हैं। महेश जी स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सर कहाँ आज चूक हो गई? लग रहा था दो दिन पहले कि आप लोग बड़ी पार्टी बनकर उभरे थे और मोस्टली हर जगह पर एक दो जगहों को छोड़ दिया जाए तो हर जगह पर वोट बनाने की स्थिति में थे, लेकिन आज तीन तीन का आंकड़ा हो गया। देखिए धोखेबाजी का जहाँ मामला आता है वहाँ अक्सर चोट हो जाती है जी। दो ऐसे लोग जो हमारे टिकट पर चुनकर गए जी और एंड टाइम पे उन्होंने अपना पाला बदल लिया जी। अब पाला बदलवाया क्यों गया, पाला क्यों बदला, ये बहुत सारी बातें इसके साथ जुड़ी हुई हैं जी। कोई ये कहा जाए कि सिर्फ जिला प्रमुख बनने के लिए पाला बदला तो ये नहीं लगता। उन चीजों में जो जिन कारणों से पाला बदला उनमें से एक कारण जिला प्रमुख बनना भी हो सकता है जी। लेकिन ये एक ऐसा विषय है, मैंने तो दिन में भी कहा था, आज सुबह कहा था कि हमारे प्रदेश के दो नेता आजकल सतीश पूनिया जी और राजेंद्र राठौड़ जी जी, वो दोनों उनको महारत हासिल हो गई है हॉर्स ट्रेडिंग की, खरीद फरोख्त की, जोड़ तोड़ में वो माहिर हो गए हैं जी। और बहुत ये कहना चाहिए बिना संकोच, क्योंकि मैं किसी भी हल्के शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहता जी, बिना किसी संकोच के झूठ बोलना, झूठ को सही सिद्ध करना, चोरी करके सीना चोरी करने वाली जो एक कहावत है कि चोरी और सीना चोरी, उस कहावत को सिद्ध करना, उस पर खरा उतरना, ये हमारे इन दोनों माननीय नेताओं का आजकल एक शगल हो गया है। तो इस तरीके से कांग्रेस के टिकट पे जीते हुए दो लोग उनको आपने अचानक बीजेपी ज्वाइन करा दी, उनके साथ आपने क्या किया क्या नहीं किया तो आप जाने, लेकिन जनता देख रही है कि ये लोकतंत्र के लिए कोई स्वस्थ परंपरा नहीं। नहीं सर, इसमें 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 बीजेपी के भी अभी कुछ लोग जुड़े थे, मैंने सवाल पूछा और कई और पॉलिटिकल पंडित थे, उन लोगों ने कहा कि बीजेपी से ज्यादा इसमें हाथ कांग्रेस पार्टी के ही एक धड़े का है, जयपुर की जो आज घटना हुई। मतलब आप भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि उनका हाथ नहीं है, किसका हाथ है किसका नहीं है, हम दूसरे पे उंगली उठाते हैं तो तीन उंगलियां हमारी तरफ होती हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कोई बात कही है तो तीन उंगलियां उनकी तरफ खुद की तरफ उठी हुई हैं जी। वो सिर्फ और सिर्फ बातें बनाने के लिए, मैंने कहा कि चोरी और सीना चोरी वाली जो कहावत है उस पे कैसे खरा उतरा जाए, इस कहावत को कैसे चरितार्थ किया जाए, इसमें भी उनको निपुणता हासिल हो रही है। इस तरीके की जीत लोकतंत्र को कमजोर करती है। भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए 24 जो जिला परिषद के सदस्य हैं उनमें से एक भी काबिल नहीं लगा भारतीय जनता पार्टी को, उनके नेताओं को किसी पे विश्वास नहीं था, जो कांग्रेस से आयात करके दो लोगों को और उनको एक को जिला प्रमुख बना दिया जी। उनके जमीर से पूछे, उनकी आत्मा से पूछे कि उनकी क्या गलती थी जी। चुनाव में हार जीत चलती रहती है, कोई पार्टी हमेशा नहीं जीतती और कोई पार्टी हमेशा हारती नहीं। नहीं सर, आप अगर अगर आप ये आरोप लगा रहे कि बीजेपी ऐसा कर रही है वैसा कर रही है और आप लोग न्यूट्रली इस चीज को देख भी रहे, तो फिर आने वाले वक्त में तो चुनौती तो बड़ी हो जाएगी, फिर कांग्रेस कैसे फाइट करेगी बीजेपी से? जनता देख रही है, हम नहीं देख रहे इस बात को, जनता देख रही है कि क्या हो रहा है, किस तरीके से लोकतंत्र को कमजोर किया जाए। देखिए लोकतंत्र में प्रतिपक्ष की भूमिका जो होती है वो उतनी महत्वपूर्ण होती है जितनी सत्ता पक्ष की भूमिका होती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेके इंदिरा जी तक, राजीव जी तक, सबने प्रतिपक्ष की भूमिका को सराहा है, प्रतिपक्ष की भूमिका को मजबूत करने की बात करी है। यहां तक कि पंडित जवाहरलाल नेहरू तो हमेशा अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रशंसा करते थे कि प्रतिपक्ष में एक ऐसा नौजवान नेता है जो जो प्रमोट होना चाहिए, उनको प्रमोट करते थे। तो प्रतिपक्ष की भूमिका को नकार के लोकतंत्र को मजबूत नहीं किया जा सकता। लोकतंत्र को मजबूत करना है तो सत्ता पक्ष के साथ साथ प्रतिपक्ष की भूमिका को भी मजबूत करना पड़ेगा, नहीं तो ये तानाशाही हो जाएगी।
दौसा में सर देख रही है इस बात को। हाँ। और मेरा विश्वास है जी कि ये एक घटना है ये। हाँ। ये हो गई। हाँ। अच्छा कांग्रेस को लगता नहीं है सर ऐसा कि कांग्रेस को मंथन करना चाहिए, पुनर्विचार करना चाहिए पार्टी को, उसके नेताओं को? हाँ महेश जी, कांग्रेस को मंथन करना चाहिए। दौसा में क्रॉस वोटिंग हो गई, आपके पास पूर्ण बहुमत थी, हालांकि आप लोग जीते, आप लोग जीते, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी पक्ष को कुछ वोट कांग्रेस की तरफ से गए। जयपुर की स्थिति हमने आपको दिखाई दी, और क्यों ऐसा हो गया कि आप लोग बाड़े बंदी? ये हाँ। मुझे बताइए ये गड़बड़ी किसने करी? तो सर ये तो कमजोरी भी कांग्रेस पार्टी की, तभी तो उन्होंने गड़बड़ी की। मंथन तो उनको करना नहीं, मंथन हम तो हमारे यहाँ पे आज 25 जिला परिषद के सदस्य मौजूद थे। एक ने भी क्रॉस वोटिंग नहीं करी। दो लोग उन भारतीय जनता पार्टी ने बहला के फुसला के कोई लालच देके जो कुछ करना था कर लिया, लेकिन वो दो लोग चले गए। उसके अलावा जो 25 लोग थे, मैं थैंक्स कहता हूँ, सबको पता था कि वो दो लोग चले गए, उसके बावजूद भी एक भी वोट क्रॉस नहीं हुआ। हर आदमी निष्ठा के साथ जुड़ा रहा, मैं उनको सैल्यूट करता हूँ। हमारे जो 25 जिला परिषद के सदस्य उनको सैल्यूट करता हूँ कि जिन्होंने पूरे निष्ठा के साथ पार्टी के प्रति अपनी जिम्मेदारी अपने धर्म को निभाया। अच्छा वो आरोप लगा रहे सर कि भारतीय जनता, वो आरोप लगा रहे बीजेपी आरोप लगा रहे कि पूरे बीएसपी को आप कांग्रेस में मिला लेते तब आप दिक्कत नहीं होती है, और हमारी तरफ कोई आ गया तो कांग्रेस को दिक्कत होने लगती है। ये हम जो दल बदल विरोधी कानून हालांकि जिला परिषद और पंचायत समिति में लागू नहीं होता, लेकिन हमारे साथ जो उनका मर्जर हुआ भारतीय जनता इसका बसपा का, बसपा के मर्जर को इस तरीके की तोड़फोड़ से नहीं देखा जा सकता। एक नए पैसे का भी लालच हमने न तो पहले जब हम पिछली दफा बसपा का मर्जर हुआ था तब हमने कोई एक नए पैसे का लालच दिया, उसके बाद की आप देख रहे हैं न इस बार कोई लालच दिया। 2008 में हमारे पास बहुमत कम था, हमको बिना शर्त के समर्थन दिया लोगों ने। हम नैतिकता की राजनीति करते हैं, हम ईमानदारी की राजनीति करते हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरह से राजनीति नहीं करते। इस तरीके की राजनीति हम कोशिश करेंगे कि इस तरह की राजनीति को जनता के सामने एकदम से हम बता सकें, जनता के सामने उजागर कर सकें, लेकिन हम लोग इस तरीके से अनैतिक राजनीति नहीं करेंगे, ये मैं जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूँ। अच्छा क्या आप छोटे चुनाव में भी दल बदल कानून की मांग करेंगे? आप लोग 3 दिन पहले बीजेपी कर रहे थे, चूंकि अब चोट कांग्रेस को लगी तो कांग्रेस भी इसकी मांग करती है। होना चाहिए। अच्छा हर चुनाव में दल बदल विरोधी कानून लागू होना चाहिए। कांग्रेस मंथन करेगी आज की स्थिति को लेकर? क्यों ऐसा हो रहा है कि कांग्रेस के लोग टूट के जा रहे हैं दूसरे में? कांग्रेस लगातार मंथन करती रहती है जी। कांग्रेस के मंथन का विषय सिर्फ ये टूट फूट नहीं होता, कांग्रेस के मंथन का विषय होता है कैसे हम नैतिक उच्च मूल्यों की स्थापना कर सके, कैसे हम नैतिक मूल्य जिन पर हम चल रहे हैं उन मूल्यों पर चलते रह सकें, जैसे उन मर्यादाओं को निभा सके जो मर्यादा कांग्रेस देश की आजादी की लड़ाई से लेकर आज तक जो मर्यादा रखती आई है, उन मर्यादाओं को हम कैसे निभा सकें, इस बात के लिए हम लगातार मंथन करते रहे। ठीक है सर, धन्यवाद जी राजस्थान से जुड़ने के लिए महेश जी, और ये तमाम बातें आपने साझा की हैं और साफ तौर पर चर्चा इस बात को लेकर हो रही है। मैं अब सीधे मेहमानों के पास वापस आऊंगा। पुनीत जी इसका जवाब दीजिए, महेश जी का गंभीर